भगवान शिव को भस्म चढ़ती है, ये सभी जानते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इसका एक सटीक उदाहरण है सुबह की भस्म आरती, जिसमें महाकाल को भस्म चढ़ाकर आरती की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव के शरीर पर लगी भस्म के पीछे की कहानी क्या है? जब माता सती अपने पति शिव के अपमान के चलते अपने पिता दक्ष द्वारा करवाए जा रहे यज्ञ में कूदकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, तो इस घटना से शिव जी बहुत आहत हुए थे। उन्होंने राजा दक्ष का नाश करने के बाद उस जलती हुई अग्नि से अपनी पत्नी सती के शव को निकाला और क्रोधित, दुखी और बेचैन होकर प्रलाप करते हुए धरती पर भ्रमण करने लगे। जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित हो गए। उनके इस दुख के कारण पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई, जिसके चलते भगवान विष्णु ने उनके शरीर को अपनी माया से सती को भस्म में परिवर्तित कर दिया। फिर भी शिव का प्रलाप और दुख मिटा नहीं, तो शिव ने अपनी प्रिय की निशानी के तौर पर उस भस्म को अपने शरीर पर मल लिया। कहते हैं इसलिए शिव जी भस्म धारण करते हैं। इसी के साथ भगवान शिव द्वारा अपने शरीर पर भस्म लगाने को लेकर एक संदेश भी दिया है कि हमारा ये शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें इस नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर इसी तरह भस्म बन जाएगा। अतः हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए।